नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाभी, कल रात अश्विनी भाई साहब ने जिन लोगों को पकड़ा है वो देश के गद्दार हैं। दो दिन बाद भाई साहब जब अदालत में अपना बयान देंगे तो फांसी के फंदे उनके गले में होंगे और आईजी की कुर्सी पर अश्विनी भाई साहब विराजमान होंगे। मुबारक हो भाई। थैंक यू। आज के पेपर में आप लोगों की सरगर्मियां पढ़ी तो फूलों का गुलदस्ता लेकर भाभी को मुबारकबाद देने आ गया। भाई ये कमाल है सोनलाल, कर्म युद्ध हम किए जा रहे हैं और फूल हमारी बेगम साहब को मिल रहे हैं। आपका ये कर्म युद्ध घर वालों को बहुत महंगा पड़ता है, ये फूल उसकी कीमत नहीं चुका सकते। कर्तव्य का पालन करने वाले कीमत नहीं मांगा करते गीता। बुराई से युद्ध करना हमारा धर्म है और घर की देखभाल करना आपका धर्म है। लेकिन आपका ये युद्ध खत्म कब होगा? भाई हम तो कर्मयोगी है, तुम्हें मालूम है, बाकी सब ऊपर वाले को मालूम है। भाभी युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। भाई साहब उस दिन चैन की नींद सोएंगे जिस दिन बदमाशों के गिरोह का सरदार पकड़ा जाएगा। दलवी साहब आप लोग अपना युद्ध जारी रखिए, मैं तो दौड़ भाग में बस मुबारक देने आ गया था, मैं चलता हूँ। सोहनलाल वो तो ठीक है, लेकिन आज रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे। अश्विनी भाई साहब के ऑनर में हमारी मैम साहब ने कुछ दोस्तों को दावत दी है। अरे जरूर भाई, ये पुलिस वालों की दावत कोई रोज रोज नसीब नहीं होती, जरूर आएंगे। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी मैं भी चलता हूँ, रास्ते में मुझे छोड़ोगे ना? हाँ ठीक है, 9 बजे के बाद आप लोगों का इंतजार रहेगा। चलता हूँ भाई साहब, बच्चों को लाना ना भूलिएगा। बच्चे तो मौसी के घर गए हैं, हम दोनों जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, नमस्ते। ओके सी यू। ओके जी नमस्ते, चलिए आइए। गीता मैं जीप निकालता हूँ, जल्दी से मेहरबानी करके आ जाओ। क्या हुआ हराम, ये क्या हुआ? मैं जानती थी ये हत्यारे आपकी जान लेकर ही रहेंगे। भगवान कर्म युद्ध में मरने वाले मर कर भी नहीं मरते, हमेशा जिंदा रहते हैं। ये हत्यारे किस किस की जान ले लेंगे? गीता गीता वादा करो तेरा बेटा बड़ा होकर इस चीज को कायम रखेगा, जारी रखेगा। इतना कर्म युद्ध ही धर्म युद्ध है, मनुष्य का जीवन केवल कर्म युद्ध है। कर्म युद्ध हेलो हेलो इंस्पेक्टर विजय, एजेंट 203 ने खबर भेजी है कि आज रात को वर्सोवा बीच पर विलायती घड़ियां कपड़े और ट्रांसिस्टर स्मगल किए जाएंगे। पकड़ो सबको। इंस्पेक्टर विजय, कार्टर रोड पर दरिया महल के पीछे नकली शराब बनाने की भट्टी लगी है। खबरदार कोई हिलने ना पाए। इंस्पेक्टर विजय, हांगकांग से आने वाले हवाई जहाज पर
एक मुसाफिर 50 लाख के हीरे लेके आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, माल लाया हूँ, निकालो। ये देखिए, हैंड्स अप, गिरफ्तार कर लो इनको। राकेश, मैंने स्पाइडर गैंग में तुम्हारी एंट्री का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ लिली, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे डैडी को स्पाइडर गैंग ने जहाँ भी कैद किया है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तुम पर तो किसी को शक नहीं होगा ना? नहीं, मैं इस गैंग का दायना हाथ बन चुकी हूँ। अपने डैडी की जान बचाने के लिए मैं मुस्कुराकर बुरे से बुरा काम कर रही हूँ। मैं अपने डैडी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिक्र मत करो लिली, अब तुम अकेली नहीं हो, एक बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। सेठ, कैसे याद किया? बैठो, किसको शाम को मिलते हैं? कुल्लन, कोई ऐसा जाल बुनो जिसमें इंस्पेक्टर विजय का बच्चा फंस जाए और हमारी मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। है कोई ऐसा जाल? जाल तो ऐसा है सेठ, की उड़ती चिड़िया का पर काट लें और चिड़िया को कानो कान खबर ना हो। लेकिन उस जाल को खरीदने के लिए माल चाहिए, माल। छोटी बातें मत किया करो कुंदन, जाल का नाम तो बताओ, माल मिल जाएगा। नाम जान के क्या करोगे, काम बताओ। कल रात वर्सोवा बीच में हमारा माल उतरने वाला है, लेकिन इतना बड़ा काम मैं किसी अजनबी को नहीं सौंप सकता। चरण सिंह तुम्हारे लिए अजनबी होगा सेठ, लेकिन कुंदन के लिए नहीं। चरण सिंह, हम तो समझे थे कि ऐन वक्त पे तुम धोखा दे गए। अजी, पेशगी मजूरी लेके चरण सिंह कभी किसी को धोखा नहीं देता। तो हम भी अपने वादे के पक्के हैं चरण सिंह। माल हमारे शहर वाले गोदाम में पहुंच गया तो मजदूरी के अलावा हिस्सा भी मिलेगा। समझ, माल पहुंच गया है, तय हिस्सा तैयार रख। इंस्पेक्टर विजय, मैं राकेश सक्सेना बोल रहा हूँ। आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं स्पाइडर गैंग में शामिल कर लिया गया हूँ और अगले हफ्ते मेरी मुलाकात खुद स्पाइडर से होने वाली है। फिलहाल वर्सोवा बीच पे नजर रखिएगा। समझती क्या है साली, बोल दिया घर में मत भी। अरे तेरे बाप का घर है, अरे लाज मार कर निकाल। जी साहब, देखो तो साला कौन है। घर में नहीं पूछो कहाँ पे हो। ओए कौन है तू? अरे सलाम सलाम साहब, अपने को पहचाना नहीं? शंकर बोर्डमैन। अबे लेकिन यहाँ क्या कर रहा तू? हाँ देखता नहीं पीरेला, बीवी ने घर से निकाल दिया तो इधर ही पीरेला। अबे भागो यहाँ से, यहाँ कोई दारू वारू नहीं चलेगा। काम का गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोलो। हाँ, तुम्हारे बोर्ड में विलायती थोड़ा मिलेगा? अबे यहाँ कोई विलायती विलायती नहीं मिलेगा। बाप का सब चलो। अबे साला तेरा बाप बिगड़ा होगा। हाँ
कुत्ता, पकड़ लो इसे। संभाल लूंगा, जाओ। हरियाणे का जाट कैसा रास्ते में रख गया? क्या पकते हो? और एक बात याद रखो कुंदन, जो माल पकड़ा जाए वो कभी हमारा नहीं होता। कोई आदमी तो नहीं पकड़ा गया? बोलते क्यों नहीं? दिलेर सिंह जख्मी हो गया था, सिर्फ वही पकड़ा गया है। और चरण सिंह, तुम्हारा जाल? उसने आधा माल गोदाम तक पहुंचा दिया है। मैं जाल बुनता हूं, घर बैठ के मोजे बुनो, वरना ये इंस्पेक्टर विजय किसी दिन तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मारो क्या आगे सेठ, थार सुनो तो पकड़ोगे। हम तो नहीं पकड़ेगा हीरालाल, कलपुरी साहब विलायत से आ रहे हैं, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। हेलो लीले। हेलो, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। मुझे अपना विलायत का टूर रुधिया छोड़कर आना पड़ा। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ जो कुछ होता रहा है मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी अपनी सफाई में कोई कुछ बोलना चाहे तो कहे। मेरी राय में हमें इंस्पेक्टर विजय का तबादला करवाना चाहिए। हमारे पिछले चार कंसाइनमेंट इंस्पेक्टर विजय ने ही तो पकड़े हैं। विजय, 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 एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर विजय को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? उसे अब तक खरीदा क्यों नहीं गया? इनकी तारीफ जी, ये हमारे क्लब के नए मेंबर हैं, राकेश सक्सेना। वेलकम टू अवर क्लब मिस्टर राकेश सक्सेना। जानकी दास और शक्ति से आपकी बहुत तारीफ सुनी, इसलिए विलायत से आपके लिए एक तोहफा लेकर आया। लिली, माय बैग। चीज तो बड़ी छोटी सी है मगर है बड़े काम की। बटन दबाओ और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दबाओ बटन। इंस्पेक्टर विजय, मैं राकेश सक्सेना बोल रहा हूं। आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं स्पाइडर गैंग में शामिल कर लिया गया हूं। सॉरी राकेश, हमारे भी कुछ उसूल हैं जो सब पर लागू होते हैं। तुम्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। नो, नेवर। चाहे मेरी जान भी चली जाए, अल्बर्ट ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा, नेवर। तुमसे ज्यादा अकलमंद तो तुम्हारी बेटी लिली है। ओह माय गॉड, तो तुमने मेरी बेटी को भी अपने चुंगल में फंसा लिया? नहीं, मैंने नहीं फंसाया, बल्कि वो खुद ब खुद चली आई।
उसे अपने डैडी की जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन शायद उसके डैडी को लिली की जिंदगी प्यारी है। लिली तो हमारा हर काम हंसते खेलते कर रही है, और तुम हमारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। मिस्टर अल्बर्ट, मैं जानता हूं कि 100 रुपए के नोट का सांचा बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से बना डालो वरना हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की छोटी छोटी रेजगारी बनाकर सरकारी टकसाल में भिजवा देंगे। भैया हाँ। आज तो नाश्ता करके जाना, मम्मी ने हलवा बनाया है गरम गरम। किस खुशी में? आज 15 दिन बाद तू नाश्ते के वक्त घर पर है ना, किस खुशी में? अब क्या करूँ माँ, पुलिस की नौकरी ऐसी है, और कर्तव्य पालन तुम्हें सिखाया है। घर वालों के लिए भी तो तेरा कोई कर्तव्य है। ये जो सब कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? घर वालों के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो, हमारे लिए एक सुंदर सी भाभी तक तो लाए नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे जल्दी है चुड़ैल? देखो ना मामा। देखो मामा। अरे बाप रे माँ, पुलिस स्टेशन में मेरा इंतजार हो रहा है, अगर इसी तरह तुम हलवा बनाती रहोगी ना तो शहर में बलवा हो जाए। बाय बाय। गरम। यस सर। ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? सर कोई आदमी आपके लिए छोड़कर गया है। मेरे लिए? जी सर। कौन थे वो? सर वो नाम और पता छोड़ के नहीं गया। इडियट। खोलो इसे। इंस्पेक्टर विजय, पुलिस के मुखबिर का यही आश्र होता है, शायद अगली मर्तबा मुझे तुम्हारे लिए कॉफिन भेजना पड़ेगा। स्पाइडर। तेरी दोस्ती की कसम राकेश, मैं मरने से पहले तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। देखो यार, तेरी चाल है नागन जैसी, तेरी चाल है नागन जैसी, कुंवर का दिल मचले, कुंवर का दिल मचले। मिस रसभरी, इस सड़क को पार करने का टैक्स लगता है, और खास तौर से जब कोई ऊपर से लेके नीचे तक जवानी के जेवरों से लदा हुआ। डार्लिंग, तुम हुस्न की स्मगलिंग करती हो। बाय गॉड, तुम्हारी आमदनी पर तो 100% इनकम टैक्स और 200% एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए। बात है, आज कॉलेज नहीं गए तुम लोग, किताबें छोड़ के लड़की पकड़ना शुरू? यारो क्या किस्मत पाई, एक तरफ सितार और दूसरी तरफ शहनाई। बांसुरी तो भूल गए तुम लोग, चलो वो मैं बजा देती हूँ तेरी तो। थैंक यू। हमारी देश की लड़कियां कब तक शुक्रिया अदा करती रहेंगी? ताकतवर बनो ताकि थैंक यू बोलने का मौका ना मिले। उषा तू कब आई लखनऊ से? हाँ अब बता, तू बॉम्बे में क्या कर रही है, कब आई और कहाँ ठहरी है? तेरी जबान बंद हो तो बोलू। मैं राकेश भैया की तलाश में आई हूँ। क्या मतलब? 3 महीने हो गए, अचानक भैया के खत आने बंद हो गए, राखी भेजी तो वो भी वापस आ गई, जब माँ की बरसी पर नहीं पहुंचे तो मुझे फिक्र होने लगी, इसलिए मैं ढूंढने उन्हें यहाँ चली आई। उनके दिए हुए पते पर पहुंची तो पता चला वो कई महीनों से नहीं आए। लेकिन इतने बड़े शहर में तूने कहाँ ढूंढेगी, पुलिस में खबर की? पड़ोसियों से पता चला कि उनका मिलना जुलना कुछ गलत आदमियों से हो गया था, पुलिस को खबर की तो भैया की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस की मदद के बगैर तू अकेली क्या करेगी? फिलहाल तो शेडी नाइट क्लब, शराब खानों और जुओं के अड्डों पर पूछताछ कर रही हूँ, बाकी भगवान जाने। लेकिन उषा ये तरीका खतरे से खाली नहीं। अपने भाई का पता लगाने के लिए मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। जानती हो राजेश, विजय भैया का एक दोस्त मारा गया, कुछ गुंडों ने उसकी लाश भैया के पुलिस स्टेशन के पास फेंक दी।
अगर तुम्हारे भैया ने मेरे बाबूजी से हमारी शादी की बात पक्की न की तो देख लेना, एक दिन मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा और मेरी लाश भी तुम्हारे भैया के पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी मिलेगी। राजेश, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने भैया को और माँ को राजी कर लिया है, तुम अपने बाबूजी को राजी कर लो ना। अरे बाबूजी तो राजी हैं, बस माँ की एक जिद है कि लड़की वालों को रिश्ता लेकर एक बार तो घर आना चाहिए। मेरी खुशी के लिए तो भैया सब कुछ कर सकते हैं। तो अब तुम्हारी तरफ से देर नहीं होनी चाहिए, वरना सोच लो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। करके तो देखो, मेरे भैया तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था कि आपके भैया पुलिस में हैं। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बोल, तू किसके लिए काम करता है? वरना मैं तेरी आंतड़ियां बाहर कर दूंगा। बोल। कुंदन के लिए। ये कुंदन कौन है? उसका पता ठिकाना तो मुझे भी मालूम नहीं साहब। नहीं, उससे तेरी मुलाकात कहां हुई? जुहू के चंपक बार में, वहां एक नाचने वाली है रोजी, कुंदन उस पर जान देता है साहब।
इतनी आसानी से पुलिस के हाथ आने वाला नहीं है, मरेगा भी तो 10-20 को ताश लेकर मरेगा। अरे मर गए, ये बीच में कहां से आन टपका? हां चरण सिंह उतरो मत, पुलिस का कुत्ता पीछे आ रहा है, मत तो पकड़े जाएंगे। अरे तो चले जाने से इतना डरे है तो धंधे से जयराम जी की कह दे, समझा? अरे हां सुनो तो सही, ओ चरण सिंह मेरी बात तो सुनो। अरे ये तो बेहोश हो गया, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, चल उठा। हाँ, पागल हो गए हो, किस मुसीबत में फंस रहे हो, चलो चलो। अरे चल उठा ना, वैन में डाल। मैं नहीं जाता तेरे साथ। तेरी मर्जी, चल जा। तो ठीक है, जा भाड़ में जा। अरे जात की औलाद नहीं लगता। इस बच्चे को फौरन खून देना होगा, इसकी जान खतरे में है। मारा खून ले ले डॉक्टर, पर छोकरे को बचा ले। लेकिन पहले तुम्हारा खून टेस्ट करना होगा। चेक करना है, जल्दी कर ले डॉक्टर, पर इस छोकरे को बचा ले। ये समझ लिया, छोकरों ना बचो तो तय भी ना बचो। एक बोतल और ले ले डॉक्टर, मारे भी पाप धुल जाएंगे। नर्स, अब तुम जा सकते हो। नर्स। यस सर। इनका नाम और पता रजिस्टर में दर्ज करो। पहले मारे को बता, छोकरा तो बचेगा ना। हाँ भाई, अब तो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारा खून ना मिलता तो शायद यूं समझ लो कि तुमने इस बच्चे को बचा लिया। अरे डॉक्टर, बचाने वाला मैं कौन, वो तो ऊपर वाला है। इंस्पेक्टर विजय। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं चरण सिंह, पर तेरी उम्र बड़ी छोटी है इंस्पेक्टर।
सजा काट कर लौटूंगा तो और भी छोटी कर दूंगा। ये अदालत चरण सिंह देओल वल्दमोहन सिंह देओल को 6 महीने की कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। किससे मिलना है जी? इंस्पेक्टर विजय हैं। क्या काम है? इंस्पेक्टर विजय कहाँ है? सिर्फ उन्हीं से काम है क्या? जी हाँ। तो फिर जाइए। क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ठीक है, बताता हूँ। जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है? मुजरिमों की मदद करने के लिए आपके पास वक्त है? हाँ। मुजरिम? कौन मुजरिम? जिसे तुमने कल रात भागने में मदद की थी, कुंदन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम्हारे रिश्तों से कुछ नहीं लेना देना, मुझे कुंदन का पता चाहिए। पता? ये जबरदस्ती मेरे साथ नहीं चलेगी, मुझे नहीं मालूम उसका पता। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ कुंदन का पता चाहिए, वरना मुझे सच उगलवाना आता है। मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। साहब ये सच कह रही है, इसे कुछ नहीं मालूम। मैं बाहर का मालिक हूँ, मैं कुंदन का पता बताता हूँ। कानून के आगे हर मुजरिम को घुटने टेकने पड़ते हैं कुंदन। मामी, भैया ने सिटीजन कमेटी का गोल्ड मेडल जीता है और कल टाउन हॉल में फंक्शन भी है। मेडल तो मैंने जीता शिला रानी, लेकिन तुम क्यों इतना चहक रही हो? सोच रही हूँ शायद ये खबर पढ़कर तुम्हें कोई लड़की पसंद कर ले। हाँ, ये खबर तो लाखों लड़कियां पढ़ी होंगी, अगर एक से ज्यादा ने पसंद कर ली हो तो मैं किस किस से शादी करूंगा। हमारी भाभी तो लाखों में एक होगी, होगी ना मामा? पता नहीं कब होगी। तुम्हारे भैया को तो मेडल जीतने से फुर्सत ही नहीं। मेडल मैंने नहीं, तुमने जीता है माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे आशीर्वाद से हूँ। चुप चुप चो मेरे लाल, गुड़िया जैसी बहू आए, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ होता है। हाय। भाई साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ। झूठ मूठी कह दिया होता, मुझसे मिलने आए हो। सच तो यही है, लेकिन रोज रोज आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। कौन है? मुबारक हो भाई साहब। थैंक यू। आज सुबह उठते ही अखबार में पढ़ा कि आपको गोल्ड मेडल मिला है, सबको बहुत खुशी हुई। अंकल और आंटी कैसे हैं? मजे में हैं, आपको बहुत याद करते हैं। कहना आप जल्द किसी दिन आओ। कल सिटीजन कमेटी के जलसे में तो मुलाकात होगी। ओ यस, मैं तो भूल ही गया था। राइट दोस्तों, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज इस जलसे की सदारत शहर के मशहूर और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट श्री सोहनलाल पुरी कर रहे हैं। पुरी साहब महिला समाज के प्रेसिडेंट हैं, यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन के पैटर्न हैं, गरीब और बेरोजगार नौजवानों के अन्नदाता हैं। इसीलिए पुरी साहब ने इस साल के गैलेंट्री गोल्ड मेडल के लिए इंस्पेक्टर विजय को चुना है। पुरी साहब तशरीफ लाइए। देवियों और सज्जनों, इंस्पेक्टर विजय एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं। इनके पिता स्वर्गीय अश्विनी कुमार मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। देश और कानून के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सपूत भी चल रहे हैं। इस सम्मान में इस साल का गोल्ड मेडल हम इन्हें प्रदान कर रहे हैं। मिस्टर विजय कुमार आइए, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेडल का पुरी साहब। अब दुआ कीजिए मैं सोने की हर कसौटी पर खरा उतरूं। और यह है 51,000 का चेक खास तुम्हारे लिए। यह मैं अपनी तरफ से उन पुलिस वालों को देना चाहता हूं जो अपनी ड्यूटी करते करते कर्मयुद्ध में शहीद हो गए। एक बात और कहनी है, यह गोल्ड मेडल मुझे नहीं, फर्ज और जिम्मेदारी की गोद में बड़ा करने वाली मेरी मां को मिलना चाहिए। आओ,
देखा आपने, आपके बेटे को गोल्ड मेडल मिला है। जिस आदर्श के लिए आप लड़े और अपनी जान गंवाई, वही शिक्षा मैंने विजय को दी है। कितना बड़ा सच कहा था आपने, कानून की रक्षा के लिए कानून के पहरेदार को कानून तोड़ना न पड़े, तभी कानून की असली रक्षा हो सकती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ने भी यही सीखा है। आपने जो लकीर खींची थी, विजय उसे पत्थर की लकीर बनाएगा। शक्ति, हम कब तक अपना घर फूंक कर सोने के मेडल बांटते रहेंगे? दिलेर सिंह पकड़ा गया, उसके बाद कुंदन, और अब ये तुम्हारा ट्रक ड्राइवर चरण सिंह। चरण सिंह से हमें कोई खतरा नहीं है सर, वो मुंह नहीं खोलेगा, और फिर वो हम में से किसी को भी नहीं जानता। हाँ, कुंदन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, शराब ने उसे नाकारा बना दिया है। शराब तो एक बहाना है, उसके दिन पूरे हो चुके हैं। मैं किसी चरण सिंह या दिलेर सिंह को नहीं जानता, नहीं जानता। स्पाइडर को तो जानता है। कौन? कौन स्पाइडर? अरे तू तो अपने बाप को भी नहीं जानता। अच्छी तरह से पहचान ले, मैं तेरा बाप हूं। मैंने तुझे जिंदगी तो नहीं दी, मगर मौत जरूर दे सकता हूं। यह तुम्हारी भूल है इंस्पेक्टर। हाँ, तुम्हारे पास वो गोली नहीं जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सोने के बिस्किट तो है, वह मुझे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा सकते। मेरी मौत तो मेरे आदमियों के हाथों होगी। तुम मुझे जिंदगी दे सकते हो, और मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूं। कैसा सौदा? सर, सेठ सोहनलालपुरी आपसे मिलने आए। इस पर नजर रखो, मैं भी आता हूं। पुरी साहब, नमस्ते। खैरियत तो है? अरे भाई, जिसके आप जैसे दोस्त हों उसकी जिंदगी में तो खैरियत ही खैरियत है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? मैं आपको दावत देने आया हूं, मेरे एक दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। किसी सिलसिले में? ये तो आपको वही बताएंगे, वैसे वो आपकी बहादुरी के बहुत दीवाने हैं। आज रात हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे कैफे हवाई में, वहीं उनके साथ गपशप भी हो जाएगी। कुंदन, किसने मारी गोली? कुंदन, कुंदन, कौन है ये? कौन जाने कौन है, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा गया था, अपने ही किसी साथी की गोली का शिकार हो गया। Poor devil. I'm ashamed of all my men. कितनी शर्म की बात है, पुलिस की हिरासत में एक कैदी का कत्ल होना। सर, वाकई हम सब दोषी हैं, लेकिन कत्ल जिस तरह से हुआ है, हमें से कोई सोच नहीं सकता था। मुझे पूरा यकीन है सर, मरूम जिस गैंग का आदमी था उसी गैंग ने उसे खत्म किया है। तो फिर इस गैंग का खात्मा करने के लिए कुछ सोचा है तुमने? ये गैंग इतना पावरफुल है सर, ना ही हमें चश्मदीद गवाह मिल पाते हैं, ना ही सबूत। लेकिन सर, पुलिस स्टेशन मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, और जिन हाथों ने इसे पवित्र किया है, अब पुलिस के पैर उसके घर में घुसने वाले हैं। हर अंधेरे में रश्मि की किरण जरूर होती है सर। महाजा काम झाला भाई, मी जाऊ काय? हाँ जाओ, लेकिन दरवाजा खुला रखना, अनारकली आ रही है। बरोबर हो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कपड़े उतारो और शुरू हो जाओ। अबे तुझे नहीं, सार से कर रही है। सॉरी। अरे जरा सामने तो आओ, तुम्हारा जिस्म देखूं, फिर सिखाना शुरू करूंगी। ओ, इंस्पेक्टर साहब तशरीफ लाए हैं, फरमाइए। जानते हो कुंदन मारा गया? सारा शहर जानता है। उसके कातिल
कल तुम्हें भी अपनी गोली का निशाना बना सकते हैं। किस खुशी में? तुम उसके दोस्त थे, उसके दुश्मन तुम्हारे भी दुश्मन हो सकते हैं। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, लेकिन गुंडों से दोस्ती का अंजाम नहीं जानती। उनके दोस्त ही उनके दुश्मन होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कुंदन और उसके दोस्तों के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कुंदन के बारे में कुछ नहीं जानती। वो मेरे लिए सिर्फ एक चंपक बार का कस्टमर था। उसके दोस्तों और दुश्मनों का पता लगाना आपका काम है। आइए मिस्टर विजय। ओह हेलो। हेलो मिस्टर मलकानी। हेलो। यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे मिलने के लिए बेचैन है। एक्सक्यूज मी, आपका संग कॉल। चलिए। ओह एक्सक्यूज मी, बी कंफर्टेबल। आइए मिस्टर विजय। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी मिस्टर विजय, जो सीधे पॉइंट पर आ गए। तो आप भी सीधे पॉइंट पर आ जाइए। पॉइंट की बात यह है मिस्टर विजय, पहले दाम फिर काम। आपकी सेवा हासिल करने के लिए ये सिर्फ 2 लाख रुपए, इसके अलावा 10,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी, नौकर वगैरह वगैरह। जब आप इतना महंगा दाम देना चाहते हैं तो काम मैं समझ गया। मुझे अपनी वर्दी उतारनी होगी, आपकी दी हुई वर्दी पहननी होगी, आपकी दी हुई जिंदगी भी जीनी होगी। बहुत पुराना हो चुका है मलखानी साहब, घूस देने का ये तरीका। घूस? मैं कोई घूस नहीं दे रहा। तो फिर ये सब क्या है? अब समझ में आया कि तुम मेरे दोस्त के बेटे के साथ क्यों मिलना चाहते थे। तुम जरूर कोई काला धंधा करते हो और उसकी कालिख इस ईमानदार पुलिस ऑफिसर के मुंह पर थोपना चाहते हो। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। आई एम सॉरी। मिस्टर विजय, आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं पुरी साहब, बल्कि मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूं इस मायाजाल का मालिक कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठिए, अब आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं फिल्मी दुनिया की मशहूर और मारूफ हीरोइन। सुनिए। फरमाइए। आप ही यहाँ के मैनेजर हैं ना? जी। जो लोग अक्सर यहाँ आते हैं आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नो मैडम, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। पुलिस साहब, नीचे जिस लड़की को देख के इंस्पेक्टर विजय रुका था वो राकेश सक्सेना के बारे में पूछ रही थी। ये लड़की खतरनाक साबित हो सकती है। लिली से कहो कि उस लड़की का पीछा करे और कोई ऐसा छोटा सा चक्कर चलाए कि वो लड़की किसी बड़े से चक्कर में फंस जाए। तुम क्या आजकल पुलिस वालों को लड़कियों का पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है? लड़कियों का नहीं, सिर्फ एक लड़की का, जो खूबसूरत है और चालाक भी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने से ज्यादा सुनने की आदत है मुझे। मेरा रास्ता रोकोगे तो गालियां सुनोगे। कोई बात नहीं, गालियां सुनने की मुझे आदत है, पर वैसे भी लोग अक्सर पुलिस वालों को गालियां ही देते हैं। मेरे पास फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। तो फिर काम की बात सुनो, किससे मिलने आए थे यहाँ? काले चोर से। और मिल गया पुलिस वाला है ना, इसलिए तो कहते हैं जहां चोर वहां पुलिस। इसी तरह बुरे लोगों से मेलजोल रखोगी तो एक दिन मुसीबत में फंस जाओगी। अब तो मैं घर छोड़ देता हूं। जी नहीं, मुझे अपनी हिफाजत करना आता है। टैक्सी। जू चलो। बदमाश,
गुंडे। ये राकेश सक्सेना की फोटो है ना? जी। कौन है तुम्हारा? भाई है मेरा, लेकिन आप इसे कैसे जानती हैं? चलो बताती हूँ। तुझे कत्ल के इल्जाम में पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस वाले दूसरों को पकड़ते हैं लेकिन खुद पकड़े नहीं जाते। लेकिन लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? राकेश मेरा मंगेतर था, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले थे कि अचानक एक दिन वो गायब हो गया और उसकी लाश पुलिस स्टेशन में मिली। इंस्पेक्टर विजय ने उसकी कत्ल का इल्जाम ना मालूम गुंडों पे लगा दिया और खुद साफ साफ बच निकला। वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। हेलो, इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ राकेश सक्सेना का खून किसने किया है। कौन हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम को 5 बजे काले टीले पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तो आप ही ने मुझे फोन किया था? जी नहीं, आपकी मौत ने आपको फोन किया था। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने राकेश सक्सेना के कातिल का पता लगा लिया है। मुबारक हो, जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया वो आपने कैसे कर लिया? क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ और तुम उसके कातिल हो। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। राकेश को खोकर मैंने भी बहुत कुछ खो दिया। इंतकाम की जो आग आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी है। मुझे भुलावे में डालने की कोशिश मत करो। अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए मैंने कितने रूप बदले हैं, किस किस अड्डों पर नाची हूँ, कहाँ कहाँ खाक छानी है। लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने नजर आया तो अपने आप को दोस्त कहने वाला दरिंदा ही दुश्मन निकला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो कुछ भी कर रही थी अपने भाई की जान का बदला लेने के लिए, वो मेरा इकलौता भाई था। ना मां ना बाप, दोनों की जगह वही था। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। आंसू बहाने से खोए हुए लोग वापस नहीं मिलते। तुम्हें शायद नहीं मालूम, राकेश हमारी खुफिया पुलिस का एक वफादार ऑफिसर था। राकेश भैया सीआईडी में थे? हाँ, वो जिन मामलों की तहकीकात कर रहा था उसमें जरूरी था कि किसी को मालूम ना हो कि वो सीआईडी है। लेकिन मुझसे क्यों छुपाया गया? मैं तो उसकी बहन थी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि दुश्मनों को इस बात की हवा तक ना लग सके। अगर आप वाकई उसकी बहन है तो मुझे बेहद अफसोस है। अगर आप वाकई मेरे भैया के दोस्त हैं तो मुझ पर शक कर के आप मेरी आत्मा को दुखा रहे हैं। क्या पुलिस वाले पवित्र रिश्तों को भी भूल जाते हैं? I'm sorry. Really sorry. अब मुझे यकीन हो गया, मेरे जमा मर्द दोस्त की बहन आप ही हो सकती है। उस रात वो लड़की मुझे इसी मकान में लेके आई थी। सुनिए, इस मकान में कौन रहता है? कोई नहीं, ये तो महीनों से खाली पड़ा हुआ है। अजीब बात है। हो सकता है मकान पहचानने में गलती हुई हो। नहीं विजय, इंस्पेक्टर साहब मुझे पूरा यकीन है, वो लड़की मुझे उस रात इसी मकान में लेके आई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं विजय, मुझे यकीन है आप झूठ नहीं बोल रही। मैडम मैडम नहीं, उषा। उषा,
लगता है ये भी उन्हीं लोगों की साजिश है जिन लोगों ने गलत होने के कांटे बोए ताकि हम नफरत का शिकार बन जाए और एक साथ इस दुनिया से ऊपर चले जाए। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था, इसलिए हम इसी दुनिया में हैं, साथ साथ, एक साथ। कुल हंसी गुलशन हंसी, गुंचे हंसी कलियां हंसी, पर तुम्हारे जैसा कोई फूल गुलशन में नहीं। एक गुल क्या, सारा गुलशन भर दूं दामन में तेरे, जैसी तू है वैसे गुल गुलशन में खिलते ही नहीं। तेरी राहों में बिछा दूं सारे गुल गुलजार के, तेरी आंखों में जो देखूं रंग अपने प्यार के। प्यासी जवानी क्या आग मन में लगी।
सुना है उस्ताद आज रिहा हो रहे हो? अरे तू फिक्र न कर, दो दिन के बाद यही तारे दोरे बैठा मिलूंगा। वो साले इंस्पेक्टर विजय को अस्पताल पहुंचाने जा रहा हूँ, सोने का मेडल जीत कर छाती चौड़ी कर ली है। अब मैं साइकिल का पैडल देने जा रहा हूँ उसके, साले की जड़ पाड़ के धूप न दिखा दी। चरण सिंह देव नाम, नहीं चल पाऊं दबा चल। चरण सिंह, हाँ तुम्हें जेलर साहब ने बुलवाया। तुम्हारी सजा खत्म हुई चरण सिंह, तुम्हें रिहा करने का हुक्म आ गया। ये लो अपना सामान, और एक बात अपने पल्ले बांध लो, आज के बाद इधर का रुख न करना। हाँ लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं जेलर साहब, आप तो अपनी नौकरी बजाओ। अपना देश में जिसे देखो गला फाड़ फाड़ कर भाषण देता है, अपने काले करतूत कोई ना देखे। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ चरण सिंह। मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ जेलर साहब। वो क्या कहें बंबई की जबान में, वो खाली पीली खाली पीली भाषण देना बंद करो, नहीं तो किसी दिन कोई थोपड़ा बिगाड़ देगा। हाँ और हाँ एक बात और याद रखना, दो दिन के बाद मेरा खाना तैयार रखना। मैं तारे एक साथी का थोपड़ा बिगाड़ कर वापस आ रहा हूँ, तारे इसी सरकारी होटल में। हाँ अपना खेल पूरा करने आया हूँ इंस्पेक्टर, आज फैसला हो जाए कि तारे कानून के हाथ कितने लंबे हैं और मारी दुश्मनी के हाथ कितने लंबे हैं। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है चरण सिंह, तुम अपनी किए की सजा भुगत चुके हो, अब ईमानदारी से अपना काम करो। अपना काम करने ही तो आया हूँ इंस्पेक्टर, दम है तो ले हथकड़ी पहना दे, पहना दे। अब भी वक्त है चरण सिंह, जुर्म की दुनिया में दोबारा कदम रखने से पहले अपने उस अजीज से मिलो जिसके रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। कौन अजीज? पहचानते हो इसे? तैं कहना क्या चाह रहे इंस्पेक्टर? तुम समझते हो तुम इस बच्चे को अपना खून देकर हर पाप से मुक्त हो गया है ना? इधर आओ मुन्ने। इसकी आंखें? हाँ अंधा, उम्र भर के लिए अंधा। ये बच्चा मुल्क की अमानत था, लेकिन तुमने इसे जिंदगी भर के लिए नाकारा बना दिया। ये बड़ा होकर सड़कों पर भीख मांगेगा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा चरण सिंह। तुम्हारे गंदे खून ने इसे जिंदा मौत दी है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे सोने के बिस्किट इसकी आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह। तुम समझते तुम उस बच्चे को जिंदगी देकर हर पाप से मुक्त हो गए? नहीं चरण सिंह, वो बच्चा अंधा हो चुका है, उम्र भर के लिए अंधा। वो लड़का बड़ा होकर सड़कों पर भीख मांगेगा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा चरण सिंह, तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हारे गंदे खून ने उसे जिंदा मौत दी है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे सोने के बिस्किट उसकी आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह, उसकी आंखें नहीं लौटा सकती, उसकी आंखें नहीं लौटा सकते, आंखें नहीं लौटा सकते, आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह, आंखें नहीं लौटा सकते। हाँ चरण सिंह, इब वा छोकरा कहां जावेगा, वा की देखभाल अब तन्ने ही करनी पड़ेगी। ऊपर वाले का नाम लेकर वा को अपने घर ले आ, यो ही तेरे पाप का प्राश्चित होवेगा, प्राश्चित होवेगा, प्राश्चित। सर कल टाउन हॉल में राजा धनवंत राय के फैमिली ज्वेल्स की नुमाइश शुरू हो रही है, और उनमें वो हीरो का हार भी दिखाया जाएगा जो आज से 100 साल पहले राजा साहब के पुरखों ने बेल्जियम से खरीदा था। जी हाँ। जानते हो आज उसकी कीमत क्या होगी? 50 लाख रुपए। वो हार नहीं, बैंक है बैंक। आप नुमाइश में जाना चाहें तो मैं टिकटें मंगवा लूं। वो नुमाइश नहीं होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, ये बेशकीमती जेवरात मैं आपकी निगरानी में टाउन हॉल तक भिजवा रहा हूं, और ये लिस्ट भी मैंने बना ली है। और हाँ इंस्पेक्टर साहब एक बात और, वहां से यहां तक लाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है।
गाड़ी बीच में कार को खड़ा करते। अब गड्डी खराब हो गई है जी। आराम धक्का लगाओ। अबे मेरी बिटिया थाने में धक्का लगाओ। चलो चलो जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के। अरे आराम उधर देखो गाड़ी हवा में। ये ऊपर कैसे गई? अरे करे दीवार बहुत लंबी है। आराम चढ़ जाओ। अबे दीवार पर तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। क्या? आज मैंने तुम्हारे लिए बेल्जियम से एक बहुत कीमती हीरो का हार मंगाया है। मेरे लिए तो आपकी बाहों का हार ही सबसे ज्यादा कीमती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? कल मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी। वहां पता चला कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। This calls for a celebration, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूं। हमारा बेटा स्विट्जरलैंड में पैदा होगा और उसकी परवरिश भी वहीं होगी, शहजादों की तरह। और हमारी शादी? शादी भी वहीं होगी। इसी महीने हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे हनीमून के लिए। मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और हाँ, कल से तुम दफ्तर नहीं आओगी, हम ही तुमसे यहां मिलने आया करेंगे। नाउ गिव अस अ स्माइल। अरे वाह, इसी हंसी पर तो हम फिदा हैं। क्या बात है, इतना कीमती हार। मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगर चोर पकड़ा गया तो हर की शनाख्त के लिए आपको कहां कांटेक्ट करूं? सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप मुझे पूरी इंडस्ट्रीज के दफ्तर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी साहब की सेक्रेटरी हूं।
ओह, वैसे छुट्टी वाले दिन आप घर पर मिलेंगी या उस दिन भी आपको पुरी साहब की नौकरी करनी पड़ती है? जी नहीं, पुरी साहब अपने स्टाफ का पूरा ख्याल रखते हैं। जरूर रखते होंगे। आज भी कोई पॉकेट मिलेगा मुझे ही पिलानी पड़ेगी। अरे पार्टनर, आज तो ऐसा हाथ मारा है कि मूलचंद सुनार भी देखता रह जाएगा। अच्छा, पूरी बोतल मंगा, पूरी एडलू, बोतल लाओ जल्दी ले गया। मूलचंद को भूल जाओ पार्टनर, वो तो 100 का माल 10 में खरीदता है। आजकल तो लोबों की धूम है, अगर माल खरा हो तो वो 100 के 80 देता है। ये लोबो कौन है? लगता है 6 महीने से अंदर थे, वरना लोबो को कौन नहीं जानता। भांद्रा हिल रोड पर उसकी दुकान है, किसी से भी पूछ लेना। ऐसी 500 घड़ियां हैं मेरे पास, बोलो सौदा कर सकते हो? नए रंग रूट हो क्या? अरे लोबो की दुकान से कभी कोई गाग वापस गया है? मिस्टर लोबो, ये तुम हरियाणवी भाषा कैसे बोलते हो? यूं बोलूं कि माँ तो मारी हरियाणा की थी और बाप था गोवा का। बाप तो मारे पैदा होते ही बोलो राम हो गया, मगर तुम्हें जबान से क्या लेना देना, यूं बताओ कि देने के लिए तुम्हारे पास और क्या क्या है? है तो बहुत कुछ, अंग्रेजी शराब, बलाती कपड़े, टीवी सेट्स। बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए? कितने का माल है तारे पास? 2.5 लाख से ऊपर का। ठीक है, खरीदा, ये लो 10,000 पेशगी, परसों इस पते पर माल ले आना और बाकी का पैसा ले जाना। मिस्टर लोबो, ये तो किसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। अरे इतना बड़ा सौदा होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? अपने दोस्तों को भी ले आना, ऐसी पार्टी होगी कि सबकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन माल खरा होना चाहिए। माल तो खरा होगा मिस्टर लोबो, तुम पैसे तैयार रखना। हा, हा, हा। हीरे का हार खरीदोगे? अरे भाई खरीदने के लायक होगा तो जरूर खरीद देंगे, और अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो वो मोटे मूलचंद के पास चले जाओ। बहुत बड़ी चीज है सेठ। हाँ तगड़ा हाथ मारा है, कितना लेगा? तुम बताओ तुम कितना दोगे? 5,000। 50,000 का माल है लोबो सेठ। अरे 50,000 लेना है तो किसी सुनारे के पास चले जाओ। 10,000 दोगे? परसों तक रुको तो। हाँ ये लो 2,000 रुपया भी ले लो। मंजूर। और ये परसों इस पते पर आ जाना, बाकी की रकम ले जाना। पार्टी का कार्ड? कैसी पार्टी? अरे लोबो के साथ धंधा करोगे तो यूं ही मज्जा उड़ाओगे। इस पार्टी में शहर के तारे जैसे सारे शरीफ चोर उचक्के इकट्ठे हो रहे हैं। लोबो एंटिक्स इनवाइट्स यू फॉर ए कॉकटेल। लोबो, मन झुमे झुमे जाने कैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। मन झुमे मन झुमे छाए दशा जैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। बहमा 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 यहमा 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 यहमा। Thank you.
सुर्ख लबों पे गुलाबी हंसी है, हंसी हंसी में मेरी जान फंसी है। हंसी हंसी में मेरी जान फंसी है। बहमा 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 यहमा 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 जलवा दिखाना, हैरान रह जाए सारा जमाना। झुम झुम जान कैसे, नजरों से नजर मिलाए जत ऐसे। तन झुम मन झुम छाए तो सजे ऐसे, नजरों से नजर मिलाए जत ऐसे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतने सारे मुजरिम एक साथ पकड़वा कर आप लोगों ने जो हमारे काम में हाथ बटाया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था सर। तारीफ तो आपको मिस सक्सेना और चरण सिंह की करनी चाहिए, जिनकी मदद के बगैर सफलता नामुमकिन थी। मैं तो इनका चेला हूँ आईजी साहब, ये सारी कारागरी इनकी है, इनकी वजह से हमारे पाप भी धुल गए। अब कल्याण वादिन होगा, जा दिन हम उसको के नाम है उसका स्पाइडर, स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है आईजी साहब। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। वो दिन अब दूर नहीं है सर। चरण सिंह की मदद से हमने जो माल पकड़ा है उनमें हीरों का हार भी है। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र के जवाहरात के साथ लूटा गया था। अगर मेरा ख्याल ठीक रहा उस हार के सहारे हम बहुत जल्द स्पाइडर गैंग का पता लगा लेंगे। गुड, वेरी गुड। और हाँ चरण सिंह, सरकार की तरफ से तुम्हें कैश अवार्ड भी मिलेगा। आईजी साहब, पैसे तो हम नहीं लेते, लेकिन हमारा एक नन्हा मासूम बच्चा है, उसके बहुत काम आएगा।
मुन्ना, अरे देख मैं तारे लिए क्या क्या लाया हूँ। ये देख खिलौने, और इसमें जो है वो बहुत सारी खेलने की चीजें हैं, और ये देख इसमें कपड़े लाया हूँ, और ये तेरे लिए देख मिठाई लाया हूँ, और ये बलून लाया हूँ, और ये देख। अंकल आप चुप क्यों हो गए, बोलिए ना और क्या क्या लाए हो, बोलिए ना अंकल, बोलिए ना। मुन्ना मैं तारे लिए हर वो चीज लाया हूं जो तू देखता तो खुश हो जाता, पर एक तारे आंखों की रोशनी नहीं ला सका। भगवान करे तेरी आंखों की ज्योति तारे को मिल जाए। पुलिस साहब के आदमियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पुलिस के बस की बात नहीं है। अरे वो कल का लौंडा क्या जाल बिछाएगा, हनु की बारात बुलाकर हमसे टक्कर लेना चाहता है। ये लोग तो बच निकले, अब आप अपनी खैर मनाइए पुरी साहब। क्या भक्ति हो, वो हार जो आपने बीना को दिया था वो पकड़ा गया है। तो क्या हुआ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जो माल पकड़ा जाता है वो हमारा नहीं होता। लेकिन बीना उस हार की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुकी है, अगर उस हार की शनाख्त हुई तो मुमकिन है वो ये भी कह दे कि कीमती हार उसे आपने दिया था। उसकी नौबत नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग विजय, हैरान क्यों हो गए भाई, ताजुब की कोई बात नहीं, शीला बिटिया की शादी तय हुई है ना, मुबारकबाद देने आया हो। थैंक यू। भाभी कहाँ है, शीला बिटिया भी दिखाई नहीं दे रही। माँ और बहन दोनों मंदिर गए हैं। अरे ये घर ही मंदिर से कम है क्या, देवी जैसी भाभी, और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे देवता जैसे पिता के साथ मेरे कैसे संबंध थे। जी हाँ, सुना तो बहुत कुछ है। और आज मैं दिखलाने भी आया हूं, मेरी अपनी औलाद तो है नहीं, इसलिए मैं अपना सारा वात्सल्य शीला बिटिया पे निछावर करना चाहता हूं। ये देखो, थैंक यू अगेन पुरी साहब, मेरी बहन की शादी घूस के पैसों से नहीं होगी। घूस, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उससे छोटे हो। इस गाली के बदले में मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता था। थप्पड़ तो आपने दो बार मारने की कोशिश की पुरी साहब, एक उस दिन जब आपने मिलखानी को डांटने का ड्रामा किया था, और एक आज जब इस दौलत का थप्पड़ आप साथ लेकर आए हैं। मतलब अब तुम खुलकर सामने आना चाहते हो। और उन लोगों को भी सामने लाना चाहता हूं जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो। अरे आप आज दोपहर में यहाँ कैसे? अपना वादा पूरा करने आया हूँ डार्लिंग। कैसा वादा? आओ बैठो बैठो। ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। हवाई जहाज की टिकट? जी हाँ, स्विट्जरलैंड जाने के लिए कल रात की फ्लाइट से। कल रात? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी नहीं की। पैकिंग की क्या जरूरत है, स्विट्जरलैंड में हम तुम्हें नई वार्डरोब खरीद देंगे, हर चीज नई। हमारी नई दुल्हन कोई भी पुरानी चीज नहीं पहनेगी। आप कितने अच्छे हैं, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो हम हैं डार्लिंग, जिन्हें इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई। लेकिन ये सज धज कर कहाँ जा रही थी? डॉक्टर के पास। अरे बुद्धू, मैं खुद तुम्हारे डॉक्टर के पास गया था, उसने ये दवा तुम्हारे लिए दी है और आराम करने के लिए कहा है, लिहाजा आप ये दवा खाकर आराम कीजिए, हमें महिला समाज के जलसे की सदारत करने के लिए फौरन जाना है। आइए चलिए बैठिए।
दवा पानी के साथ लेनी है। मुंह खोलिए। कड़वी है, पानी पी लो। शाबाश। अब ऐसा करो, लेट जाओ। ऐसे ऐसे। That's like a good girl. अब तुम आराम करो और मैं अभी आता हूं। आंखें बंद कर लो। बाय बाय। माफ कीजिएगा राय साहब, आपको तार देकर बुलाना पड़ा। देखिए, यह हार आपका तो नहीं? जी हाँ, यह हार तो मेरे ही कलेक्शन का है। इसे आपने कहां से बरामद किया इंस्पेक्टर साहब? वैसे तो यह हार चोर बाजार में बिका था, चोर पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ आपके जवाहरात की चोरी का कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो यह हार एक औरत के गले से छीना था। अगर उस औरत ने इस हार की शनाख्त कर ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बाकी जवाहरात भी बरामद किए जा सकेंगे। मैं अभी उस औरत के घर जा रहा हूं। क्या हो रहा है मुझे, ये मुझे क्या हो रहा है? बिना, क्या हुआ बिना? मुझे जहर दिया गया है। किसने तुम्हें जहर दिया? बोलो। पुली ने, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। बिना, देखो इस हार को तुम पहचानती हो? बोलो बिना, बोलो बोलो। ये हाँ बिना। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही भारतवर्ष की नारी है। इस देश की नारी महान है, परंतु आज चारों तरफ उसका शोषण हो रहा है। मैं समाज के ठेकेदारों से पूछता हूं कि यह अत्याचार कब तक चलेगा? मैं बतलाता हूं, यह अत्याचार तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे जैसे भेड़िए भेड़ के लिबास में नारियों को गुमराह करते रहेंगे। विजय, ये क्या है? इसे पहचानते हो? अरे, ये तो बीना है, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या हुआ इसे? वही जो तुमने इसके साथ किया है। ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, एक हार पहचानने वाली थी, इसीलिए तुमने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बड़ी प्राइवेटली जहर देकर मार दिया। विजय बेटा, किसी शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कीचड़ तो क्या, तुम्हारे पर तो वो उछालना चाहिए जो किसी दिन उछलेगा। विजय, मुझे गालियों की नहीं, सबूत की जरूरत है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा उस दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। तब की तब देखी जाएगी इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल तो मैं इस बदनसीब नारी के अंतिम संस्कार के लिए 1,000 रुपए का दान देता हूं। यह पैसा अपने लिए बचा के रखना, तुम्हारे अंतिम संस्कार में काम आएगा।
आइए हम लोग मृत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन धारण करें। शक्ति, इंस्पेक्टर विजय के हाथ बहुत लंबे होते जा रहे हैं। आप कहें तो मैं जड़ से काट दूं। फिलहाल तो उसकी शाखें काटो, जड़ खुद ब खुद कट जाएगी। कल उसकी बहन की शादी है, हमारी तरफ से पटाखों का इंतजाम करो। Yeah!
कसम खाता हूं बहना, जब तक उन हथियारों को कानून का हवाले नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। किधर घुसता है साहब, बिजी है, दिन में आना। तो मैं पहले तेरी रात कर देता हूं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। हजूर, हमारे प्यार करने के वक्त इतनी नफरत लेकर क्यों आ गए, और वो भी सादे लिबास में? मौत के वारंट बड़ी सादगी से आते हैं। मेरी बहन, मेरे बहनों के कातिल, अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। जनाबे वाला, ऐसा कौन सा फंदा है जिसे हम खुद नहीं बनाते? ऐसा कौन सा थाना, जेल, कानून और अदालत है जिसे हम खुद नहीं चलाते? गुड नाइट डार्लिंग, बाकी कल। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पुरी साहब उस रात हमारे साथ थे। हमारी मीटिंग ठीक शाम 7 बजे शुरू हुई। पुरी साहब हम लोगों के सामने कंपनी के अकाउंट्स पेश कर रहे थे। मीटिंग पूरे 5 घंटे चली और उसके बाद डिनर था। और उस डिनर टेबल पर इंस्पेक्टर विजय ने मिस्टर पुरी को अरेस्ट किया। भरी हुई भोजन की थाली टेबल पर धरी की धरी रह गई। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है, हमें यकीन कीजिए, ये झूठ है सर। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है, हमारा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर पुरी का इस इल्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब यह वारदात हुई तब मिस्टर पुरी अपने घर पर बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अदालत मिस्टर पुरी को बाइज्जत बरी करती है। पुरी साहब धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो शहर में जब भी खून होगा वारंट आप ही के नाम लिखेगा। मिस्टर विजय, मुझे अपने जीतने की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जवान बहन और बहनोई की मौत का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनो विजय, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। उस बेचारी को अगर कुछ हो गया तो मुझ जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम मत लगाना। पर देखिए इसने मेरी क्या हालत बना दी है। आई एम सॉरी मिस्टर पुरी। विजय, यू आर सस्पेंडेड। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। आप समझती क्यों नहीं भाभी, कानून के नजर में आपका बेटा मुजरिम है। मेरा बेटा मुजरिम है और मेरे सुहाग और कोक के कातिल बेगुना, क्या यही आपका इंसाफ है? एक पुलिस अफसर की बीवी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। एक पुलिस अफसर की बेवा कहिए जिसने अपने जवान बेटे को आपके हवाले किया था और आज आपके कानून ने उसे भी घर से बेघर कर दिया। मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ भाभी, कानून की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और कानून का कोई फर्ज नहीं जो अपनी जान की बाजी लगाकर कानून की रक्षा करते हैं, कानून उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? मेरा सुहाग लुट गया, मैं चुप रही। मेरी बेटी का सुहाग लुट गया, उसने खुदकुशी कर ली, मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। अब भी आप मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं भाभी, सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पाप और पुण्य की लड़ाई में बलिदान तो देना ही पड़ता है। आया राम, बोलो गया राम। आईजी साहब ने विजय साहब की वर्दी उतरवा कर अच्छा नहीं किया। अब वो कोर्ट में क्या पहनकर जाएंगे? चढ़ गई क्या? चढ़ गई? कौन चढ़ गई? कहां चढ़ गई? किधर चढ़ गई? अबे अंगूर की बेटी। छी 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 छी, मैं किसी की बहू बेटी को हाथ नहीं लगाता। अबे घोचू, मैं दारू की बात कर रहा हूं।
आ गई। कौन? साथ में सहेली भी लाई है। वो तक रहा है, वो मेरे पास आई है। कहिए मैडम, क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है, ऐसी तकलीफ है, वैसी तकलीफ है, कब से तकलीफ है? हवलदार जी, आपके होते हुए तकलीफ कैसे हो सकती है? अजी तकलीफ तो हमारी सहेली की है। अजी हम आपकी सहेली की भी तकलीफ दूर कर सकते हैं। हाँ? हम उसकी सहेली की तकलीफ दूर कर सकते हैं और उसकी सहेली की भी तकलीफ दूर कर सकते हैं। अजी हम सातों सहेलियों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले देखेंगे इनका मुखड़ा, फिर दूर करेंगे इनका दुखड़ा। सुनिए, ये गैर मर्दों से पर्दा करती है। अजी हम गैर नहीं है। अच्छा? हम मर्द भी नहीं है, हम तो पुलिसमैन है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। कल रात एक खौफनाक हादसा हो गया। हादसा? हाँ, कल 10 पर चढ़ गए थे। कब, कैसे, कौन? बिच्छू। और 10 के 10 मर गए। हो सकता है आज 20 पर भी चढ़ जाए। कहाँ? बिच्छू कहीं भी आ सकता है। पुलिस स्टेशन में भी आ सकता है। आ सकता क्या है, आ गया है। कहाँ? क्या भक्ति हो? जी हां पुलिस साहब, चरण सिंह और रोजी इंस्पेक्टर विजय को जेल से निकाल कर ले गए हैं। माँ वापस चला जा बेटे, पुलिस कानून की रक्षक होती है। अगर रक्षक के कानून के खिलाफ हो जाए तो ये देश गुंडों के हाथों बिक जाएगा। मेरी मान लो, खुद को कानून के हवाले कर दो। जरूर करूंगा माँ, लेकिन अपने बाप, अपनी बहन, अपनी बहनों की मौत का बदला लेकर। बदले की भावना अच्छी नहीं बेटे, भगवान पर विश्वास रख। भगवान की अदालत में झूठी गवाही नहीं चलती। झूठ के खिलाफ आवाज ना उठाना भी कायरता है माँ। अगर कानून उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता तो एक भाई करेगा, जिसकी बहन दुल्हन बनने से पहले मार दी गई। एक बेटा करेगा जिसका बाप कानून पर कुर्बान हो गया। आज इस देश में फिर से महाभारत मची है, तो अकेला इन कौरों के विरुद्ध क्या करेगा? कर्म युद्ध करूंगा माँ, न्याय की स्थापना के लिए। न्याय की स्थापना सिर्फ कानून कर सकता। तो करता क्यों नहीं माँ, करता क्यों नहीं? जुर्म के बाजार में आए दिन कानून खरीदा जाता है। मैं भी बहुत सुखी होता अगर गुंडों के हाथों बिक जाता। क्या नहीं होता मेरे पास, 5,000 रुपए महीने, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होता। इज्जत नहीं होती बेटे, क्योंकि वो बाजार में नहीं बिकते। बाप भी बाजार में नहीं बिकते हैं माँ, बाप भी बाजार में नहीं बिकते हैं। इज्जत ना सही। बाप जिंदा होता, बहन जिंदा होती, बहन भी जिंदा होता, क्या कानून उन्हें जिंदा कर सकता है? लेकिन औरों को तो बचा सकता है। ये तुम्हारी भूल है माँ, फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन अपने बाप, अपने बहन के कातिलों से बदला लेने के बाद। विजय, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि हमारे दुश्मनों की आज आखिरी रात है। अरे सिद्धे चल के एक एक का बोलोराम करते। नहीं चरण सिंह, हम उन्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। ऐसी हालत बना देंगे कि वो अपनी मौत की भीख मांगेंगे, तब तक उन्हें तड़पाएंगे, तिल तिल करके चलाएंगे। ये शराब मत पीना पूरी, इस शराब में वही जहर मिला हुआ है जो तुमने अपने बीरा को दिया था। कौन है? कौन है? We'll be right back.
हाँ साहब। बहादुर तुम कौन हो? साहब हम नया चौकीदार है, बहादुर की बदली पर आया है साहब। ये इधर कॉफिन कौन लेके आया? साहब वो लोबो मुर्दो वाला गाड़ी का आदमी दे गया था साहब। कौन लोबो मुर्दा वाला गाड़ी का आदमी? साहब वो तो हम नहीं जानता, वो एक वैन में आदमी आया था साहब, लुंगी वाला, ये बड़ी बड़ी मुच्छी थी साहब, उसने बोला आपने ऑर्डर दिया है साहब। साहब कॉफिन बहुत सुंदर है ना साहब। इडियट, जाओ यहां से। बहुत जल्द तुम्हें इस कॉफिन की जरूरत होगी। कल तुम्हारा कुत्ता मरा था, दो दिन बाद तुम कुत्ते की मौत मरोगे, तुम्हारा शुभ चिंतक। तो यही है वो मौत के इंजेक्शंस जो तुम हजारों की तादाद में बेचते हो। अब ये तुम लोगों को लगा के देखते हैं, तड़प तड़प कर मरने में क्या मजा आता है। नहीं जी, मैं तो अच्छा भला हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अरे है, तारे को भी और तारे बाप पूरी को भी बेईमानी की बीमारी। अरे ये इंजेक्शन तारे लगाते हैं और शायद तारे बाप की बन जाएगी। लगाओ चरण सिंह। चल बैठ, बैठ जा। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या तुम लोग यहाँ कैसे? चाचे भतीजे इन्हें भी वही पहुंचा दो। अरे जहाँ जंगू मंगू को पहुंचाया। अरे भाई ये तारी बंदूक जो है ये भरी है या खाली है? खाली है। भतीजे चाली क्या पुलिस वहां भी पहुंच गई? मिस्टर क्रिस्टो, ये मूर्तियां खास करके हमारे पुलिस साहब ने आपके लिए मंदिरों से उठवाई है। हाउ मच मनी? कितना पैसा? 25 लाख। Only 25 lakhs. Oh, okay. भाई जरा थम जाओ। मारे हरियाणा में यूं बोले हैं कि जो शख्स भगवान को बेचे भगवान उसे अपने तय जल्दी बुला ले। क्यों भाई, क्या कह? बिल्कुल सही। ये 25 लाख सरकार के और 25 साल की कैद तुम दोनों को। अरे मलकानी मारा गया, सारा माल पकड़ा गया। ये औरतें कौन है? ये तो सब किराए की रोने धोने वाली औरतें हैं। पर यहाँ क्यों आई है? क्या मेरी से पूछो क्यों आई? आपके दोस्त मलकानी साहब की मौत पर रोने आए हैं। मलकानी, पर यहाँ क्यों? आप उनके पार्टनर है ना, हम यहाँ रोएंगे और आपसे पैसे लेंगे। क्या भक्ति हो, नाराज क्यों होते हो साहब? एक दिन तो सभी को मरना है, कल आप मरेंगे तो हम यहाँ फिर से आ जाएंगे, हमारा तो यही धंधा है। बात तो 16 आने सच्ची है सरकार। Get out all of you! चलो जी, इन तिलों में तो तेल ही नहीं है। ठहरो, साहब इनके पेट पे क्यों लात मारते हो? मैं दे देता हूँ। अरे ये नहीं, ये लो, ये 25 रुपया, पर आना जरूर हो। तुम गधे इडियट हो। हाँ साहब। साला इडियट का बच्चा। एक का पैसा वापस कर दूंगा, जरा धीरे धरो। पुरी साहब, आपके अड्डों पर धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं, हमारा माल वाल तो मिलने वाला नहीं, इसलिए हमारा रुपया फौरन वापस कर दो। हाँ पुरी साहब, आगे से हमको तुम्हारे साथ कोई धंधा वंदा नहीं करने का। जरा सोचो तो पुरी साहब, हम असली नोट देकर नकली माल खरीदते हैं। तो क्या नकली माल बेचकर आप लोगों को असली नोट नहीं मिलते? ठीक है, मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए, मैं आप सबका हिसाब क्लियर कर दूंगा। जाइए। ओके, कम जाए। मैंने कह तो दिया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कोशिश कोशिश,
तब तक तुम कयामत तक कोशिश ही करते रहोगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आज इतवार है, संडे। अगर अगले इतवार तक तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में कोई सोमवार नहीं आएगा, समझे? मेरी लिली, मेरे बच्चे, ये हैं तुम लोगों के रुपए, इन्हें उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। थैंक यू वेरी मच पुरी साहब, थैंक यू। एल्बर्ट ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हमारा काम तो कर दिया, लेकिन अब उस बेचारे एल्बर्ट की जान कौन बचाएगा? देखो, जैसे ही 5 करोड़ के नोट छप जाएं, एल्बर्ट और उस छापे खाने को खत्म कर दो। आप लोग पूरी साहब से मिलकर आ रहे हैं? इस बैग में क्या है? नोट है, नोट मेरी जान, तुम्हें चाहिए तो चलो हमारे साथ। अरे मारे को भी अपने संग ले चल, से नहीं ले चलेगा। अरे तो ये क्या है? मारे को क्या बदतमीजी है? क्या है ये सब? हाँ चरण सिंह, तो आजकल पूरी ने नोट छापने का कारखाना भी खोल दिया है। आओ बच हमारे साथ। कहते 100 सुनार की तो 1 लोहार की, बांधा तीनों को। हेलो रोजी जान उर्फ उषा, सुना है तुम हाथ पांव बड़े अच्छे चलाती हो? हैं? हाथ पांव भी बड़े अच्छे चलाते हैं, अगर दोनों मिलके हाथ पांव चलाएं तो बड़ा मजा आएगा, ट्राई करूं? वाह क्या तोहफा दिया है? अरे तोहफे देना हमें भी खूब आता है, समझी? छोड़ दो मुझे। अबे ओ हरामी, अबे कैसा मर्द हो बे तू जो बेबस लड़की पे हाथ उठावे? अब की बार मारे को आजाद हो जाने दे, जो 2 मिनट में तारे को मार मार के मर्दाना से जनाना ना बना दिया तो हर जाने का जाट ना कहियो। कमीने, अपने बिल में तो चूहे भी शेर होते हैं, लेकिन रहते चूहे ही हैं। मैं जवाब में तुम्हें कोई गाली नहीं दूंगा, सिर्फ गाली दिखाऊंगा। मिस इंडिया, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसे तो कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? लिली तुम? बास्टर्ड, जानते नहीं कभी कभी कृष्ण भगवान राधा बन जाते हैं, तब उस राधा का नाम होता है लिली। जाओ तुम दूसरे लोगों को छुड़वाओ जब तक। हाँ तुम मेरे बाप को मारना चाहते थे ना? हाँ मैं तुम्हें जिंदा। I'm so, Lily!
अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो फौरन अकेले स्टार्ट हाउस चले आओ। नीच कमीने, लगा दे आग, जला दे मुझे, मैं मौत से नहीं डरती। लगा दे आग इस चिता में और अपना कलेजा ठंडा कर। तुम्हारा कलेजा तो तब ठंडा होगा जब तुम्हारा कलेजा आकर तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। कितना खुश नसीब है विजय जिसने उस चिता में भी आग लगाई थी जिसमें हमने तुम्हारे पति को हमेशा की नींद सुला दिया था। तो क्या मेरे पति का कातिल भी तू ही है? तुम्हारे पति का कातिल ही नहीं बल्कि तुम्हारे दामाद की मौत और तुम्हारी बेटी की आत्महत्या का कारण भी मैं ही हूँ। क्योंकि आज तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का आखिरी दिन है इसलिए तुमसे झूठ बोलना घोर पाप। पापी, मेरा सिंदूर उजाड़ कर मेरी बेटी और दामाद को मार कर अब मेरे खानदान का आखिरी चराग भी बुझाना चाहता है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान से दुश्मनी की हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हमारी दोस्ती शैतान से है और आज ये शैतान अपनी आंखों से देखना चाहता है कि माँ बेटे की चिता में आग लगाएगी या बेटा अपनी माँ की चिता में। तो तू आज ये भी देख ले कि किसकी चिता चलती है। वक्त के तराजू में एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ माँ का आशीर्वाद। अब तो सिर्फ भगवान ही बताएगा कि कौन सा पल्ला भारी है। जिस पल्ले पर माँ का आशीर्वाद होता है वही पल्ला भगवान होता है माँ, और भगवान से भारी है कोई पल्ला नहीं होता। विजय, मैंने हमेशा तेरे हाथ पैरों में कंक की बेड़ियां डाली लेकिन आज समझ में आया कि हिंसा को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सच्ची अहिंसा है। अधर्म और अत्याचार को नेस्तनाबूद कर देना ही सच्चा कर्म है। बुराई को जड़ से खत्म कर देना ही सच्चा धर्म है। विजय, मैं तुझे कर्मयुद्ध के लिए आजाद कर देती हूँ। नाश कर दे इस राक्षस का, नाश कर दे इस पापी का। तेरे पिता का कातिल यही है विजय। तो पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बोल, तू इस चिता में जिंदा जलना चाहता है या मुर्दा? वाह, माँ ने भाषण दिया और गीदड़ बेटा शेर बन गया। कर्मयुद्ध। अरे जिन हाथियों में ताकत होती है वही कर्म करते हैं और वही युद्ध। तुम जैसी चीटियां तो सिर्फ मसले जाने के लिए हैं। वाह रे हाथी की औलाद, अरे अगर एक छोटी सी चीटी तुम्हारी सूंड में घुस गई तो जमीन चाटते नजर आओगे। तो अब तुम्हें आसमान की अंतिम यात्रा करवा ही दी जाए। अरे तारी आंखों में आंसू, भाई मारे को अच्छा नहीं लगा। कह क्या समझे कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो मासूम की आंखों में जिंदा रहूंगा ताकि आंखें मारी वजह से चली गई थी। कह काम कर, मारे मरते ही मारी आंखें उस बच्चे को लगवा थे, तब शायद भगवान मारे को माफ कर देगा। मारा ये काम। चरण सिंह,
विजय, पुलिस की पवित्रता की रक्षा करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम कानून के सच्चे पुजारी हो। विजय माय सन, कल से तुम उस मंदिर में चले आना जिसे तुम्हारे जैसे पुजारी की सख्त जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। में कितने दिन का प्यार हो गया।